सो हेलो गाइस, गरुड़ ब्लॉग्स में एक और नया DIY, लेकिन ये खाने पे। तो ये है परवल का चोखा बन रहा है और देवी जी खाना बनाने में बिजी है, तो बहुत वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए कट टू कट दिखाएंगे। ये है परवल और इसको सिझाया गया, इसको जलाया गया है गैस में, और इसके बाद इसका जो मेकओवर होगा या फिर जिस तरीके से तैयारी होगा वो हम लोग आपको दिखाएंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने रहने के लिए आप लोग को करना पड़ेगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब, सही पकड़ रहे हैं। कुछ बोलना है? नहीं, कुछ बोलिए। कुछ भी नहीं बोलेंगे, छिलिए छिलिए छिलिए। ऐसा ही मज़ेदार लाइफस्टाइल ब्लॉग, पेंटिंग, ड्राइंग, DIY, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने के लिए गरुड़ ब्लॉग्स में आप लोग को तो जुड़ना ही पड़ेगा गाइस। तो फिर से लौट चुके हैं, परवल का चोखा बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप, जला हुआ परवल को उसके ऊपर का छिलका को छील दिया गया और यहाँ पे सरसों का तेल यहाँ पे दिया जा रहा है। आह, तो ये हो गया सरसों का तेल, कच्चा सरसों। हाँ, कच्चा सरसों का तेल, हम लोग का व्यूअर उतना पागल नहीं है। और उसके बाद हम प्याज डाल रहे हैं। ओके, ठीक ठीक। मिर्ची नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बच्चा खाएगा, पहले निकाल देंगे। ठीक है, बच्चे के लिए फिर मिर्ची डालेंगे। ओके, स्वाद अनुसार। ठीक, तो देख रहे हैं, पहले गिरा तेल, उसके बाद कटा हुआ प्याज, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से सान लीजिएगा गाइस, लेकिन हाथ धो के। ही हा हा हा, इसको साना जा रहा है। तो जो लोग तीखा पसंद करते हैं वो लोग इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं तीखा करने के लिए, और इसका उपयोग कीजिएगा चावल के साथ। आह हा हा, मस्त। हाँ, बाबू के लिए पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसको हम लोग मजे से खाएंगे एकदम। तो इसका प्रोसीजर कंप्लीट, अब कुछ ना है इसमें, निकाल दिए बच्चे के लिए। और इसके बाद खिलेगा हरी मिर्च। वाह 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 वाह। तो ये रहा किचन का DIY, घर बैठे ही आप परवल को गैस में जला के उसको हल्का सा सिझा के उसके बाद का इस छिलका को हटा के, बैगन नहीं है, परवल है, नहीं देखना नहीं है, इसमें गोल गोल दाना निकल रहा है। तो चलिए गाइस, तो ऐसा ही DIY है। चावल है, दाल है। आज का मेनू में है चावल, दाल, परवल का चोखा, सलाद बन रहा है, और यहाँ पे आलू का चोखा, और वहाँ पे पापड़ बनने वाला है। तो जिसके नसीब में जिस दिन जो खाना है उसको चाव से खाना चाहिए, खाने में कोई नहीं करना चाहिए छोटा बड़ा चीज। कभी नून रोटी भी खाना है, कभी नून भात भी खाना है, और कभी स्वाद अनुसार जो लगे उसको भी खाना है, नमक टेस्ट करना। तो टाटा टाटा टाटा, गरुड़ ब्लॉग्स में जुड़े रहने के लिए और ऐसा ही डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग देखने के लिए गाइस, आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हाँ, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ढाकी चिकी ढाकी चिकी ढाकी चिकी।